welcome to the online classes from Martin Children Academy. I'll teach you English for class 2nd, chapter 12, toast. जो आप toast खाते हैं वही है ये toast. तो इस lesson में एक husband और wife है और दोनों एकदम मतलब भुलक्कड़ है, दोनों भूल जाते हैं, उन्हें कुछ याद नहीं रहता है. तो देखते हैं इस lesson में क्या होता है. Do you remember getting married? said Mr. Smith to his wife one day. तो एक दिन मिस्टर स्मिथ ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम्हें याद है अपनी शादी के बारे में, कि हम लोग की शादी हुई है. तो रिप्लाइड मिसेस स्मिथ, नो रियली. तो उसकी पत्नी कहती है कि सच में मुझे नहीं याद है. आई नो वी डिड मैरी अबाउट 60 years ago. तो कहती कि हाँ मुझे याद है कि हम लोग की शादी हुई है लगभग 60 वर्ष पहले. बट आई कॉन्ट रिमेंबर एनी थिंग दिस डेज, लेकिन इन दिनों में मुझे और कुछ भी याद नहीं है. आई एम द सेम सेड मिस्टर स्मिथ. तो मिस्टर स्मिथ कहते हैं कि मेरे भी हाल वैसे ही है, मुझे भी कुछ याद नहीं है. परहैप्स वी शुड गो एंड सी डॉक्टर, व्हाट्स हिज नेम. तो ये हस्बैंड एंड वाइफ दोनों कहते हैं कि हम लोग को शायद जाके डॉक्टर से मिलना पड़ेगा. और वो व्हाट्स हिज नेम, इस डॉक्टर का नाम क्या है. यस शी रिप्लाइड. तो उसकी पत्नी जवाब देती है कि वो डॉक्टर का नाम बताती है, डॉक्टर व्हाट्स हिज नेम. दैट्स ए स्ट्रेंज नेम इजंट इट. तो ये अजीब नाम है ना. आई नेवर कैन रिमेंबर हिज फुल नेम, इज ही अवर डॉक्टर. तो उसकी पत्नी कहती है कि मुझे तो कभी ये पूरा नाम डॉक्टर का याद ही नहीं है. इज ही अवर डॉक्टर, क्या वो हमारे डॉक्टर हैं. आई कॉन्ट रिमेंबर सेड मिस्टर स्मिथ. और मिस्टर स्मिथ को भी नहीं याद है. राइजिंग फ्रॉम हिज चेयर, मतलब अपने चेयर पर से उठते हुए वो कहते हैं कि मुझे भी नहीं याद है कि वो हमारे डॉक्टर हैं. कम ऑन लेट्स गो एंड सी डॉक्टर. तो कहते हैं चलो हम लोग डॉक्टर से जाके मिलते हैं. व्हाट्स हिज नेम राइट, मतलब सही में उनका नाम क्या है. तो मैंने बताया ना कि इस लेसन में हस्बैंड एंड वाइफ है जिनको कुछ याद नहीं रहता है, जो हमेशा भूलते ही रहते हैं. नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 107. आ यू रिमेंबर्ड, क्राइड मिसेस स्मिथ. वेल डन, यस दैट्स इट, लेट्स गो एंड सी डॉक्टर राइट. तो मिसेस स्मिथ ने कहा कि हाँ तुम्हें याद आ गया, अच्छी बात है. यस दैट्स इट, लेट्स गो एंड सी डॉक्टर राइट. कि चलो हम लोग जाके डॉक्टर राइट से मिलते. फिर उसके बाद उसके हस्बैंड को डॉक्टर का नाम याद आ जाता है. डॉक्टर का नाम होता है डॉक्टर राइट. द स्मिथ्स पुट ऑन देयर हैट्स एंड कोट्स. तो यह स्मिथ में एस लिखा है, मीन्स हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के लिए है. तो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हैट और कोट पहन लेते हैं और दे लेफ्ट द हाउस और अपने घर से निकल पड़ते हैं. वॉकड अलॉन्ग द रोड, मतलब रोड के रास्ते से निकलते हैं. एंड एंटर्ड द डॉक्टर्स क्लिनिक, और डॉक्टर के चिकित्सालय में प्रवेश करते हैं. लकीली दे वर इन द राइट प्लेस. तो भाग्यवश वो सही जगह पे पहुँचे. एंड नॉट एट द बचर्स और द बैंक. वो मतलब सही जगह पे पहुँचे, ये नहीं कि किसी कसाई के यहाँ पहुँचे गए या बैंक में पहुँचे, वो डॉक्टर के यहाँ, डॉक्टर के चिकित्सालय में ही सही जगह पे पहुँचे. मतलब ये चीज़ उनको मतलब याद रहा. एंड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन आई विल टीच यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.